आज का हमारा टॉपिक है FET. FET का पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक स्पेशल ट्रांजिस्टर होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। FET को कभी कभी यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम साधारण ट्रांजिस्टर से FET का कंपेयर कराएं तो साधारण ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो कि जो चार्ज कैरियर होता है, दैट मीन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बट FET में ऐसा नहीं होता, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो भी ओनली वन मेजोरिटी चार्ज कैरियर, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो सकता है या तो होल की वजह से। बट FET में जो करंट फ्लो होता है दोनों को मिला के नहीं होता, आइदर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, आइदर होल की वजह से करंट फ्लो होता है। तो FET को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, FET द FET दैट मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET का पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इज अ स्पेशल ट्रांजिस्टर, ये एक स्पेशल ट्रांजिस्टर है, दैट यूज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। FET क्या होता है, FET का पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एक स्पेशल ट्रांजिस्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा कंट्रोल करता है करंट को। इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा FET कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट को। FET को FETR also known as unipolar transistor, FETR also known as unipolar transistor, since they involve single carrier type operation, that means जो FET होता है इसे हम यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि FET में जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो सिंगल चार्ज कैरियर की वजह से होता है, दैट मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या फिर होल की वजह से होगा, बट नॉट बोथ, दोनों के मिलने की वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, आइदर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, आइदर होल के वजह से FET में करंट फ्लो होता है। FET में तीन टर्मिनल होता है, टर्मिनल का नाम है सोर्स, ड्रेन, गेट। ये जो सोर्स, गेट, ड्रेन है, इन तीनों का अलग अलग काम होता है। सोर्स का अलग काम होता है, गेट का अलग काम होता है, और ड्रेन का भी अलग काम होता है। अगर हम सोर्स, ड्रेन और गेट की बात करें, जो सोर्स होता है यहां से जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो एंट्री होता है सोर्स के द्वारा। गेट जो चार्ज कैरियर है उसको कंट्रोल करता है, जो चार्ज कैरियर सोर्स टू ड्रेन फ्लो करता है उसे गेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ड्रेन के द्वारा चार्ज कैरियर एग्जिट होता है, मतलब यहीं से चार्ज कैरियर बाहर की तरफ जाता है। तो हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं,
इट हैज थ्री टर्मिनल। इसके तीन टर्मिनल होते हैं, पहला टर्मिनल सोर्स, दूसरा टर्मिनल गेट और तीसरा टर्मिनल ड्रेन। सोर्स, ड्रेन और गेट, ये तीन टर्मिनल होता है एफईटी का। अगर हम लोग यहाँ पे सोर्स की बात करें तो सोर्स काम करता है, इट हैज, इट इज द एंट्री पॉइंट फॉर मेजोरिटी चार्ज कैरियर। जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है उसका ये एंट्री पॉइंट होता है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर सोर्स के द्वारा एंट्री करता है। अगर हम गेट की बात करें तो गेट, इट इज कंट्रोल द चार्ज कैरियर। जो चार्ज कैरियर है उसे कंट्रोल करता है, वो चार्ज कैरियर हमेशा सोर्स टू ड्रेन फ्लो करता है। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे, सोर्स टू ड्रेन जो चार्ज फ्लो होता है उसे गेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर हम ड्रेन की बात करें तो ड्रेन का काम है, इट इज द एग्जिट पॉइंट फ्रॉम फॉर मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ड्रेन एग्जिट पॉइंट होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर के लिए। सॉरी, यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया था, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ध्यान रखिएगा, एफईटी में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है या तो होल होता है या तो इलेक्ट्रॉन होता है। इन्हीं मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एफईटी दो टाइप में डिवाइड होता है, जिसका नाम एन चैनल और पी चैनल होता है। एन चैनल और पी चैनल होता है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एफईटी की बात करें तो एफईटी दो प्रकार का होता है, एन चैनल और पी चैनल। Types of FET. Types of FET. FET दो प्रकार का होता है, N channel और P channel। ये दो प्रकार का एफईटी होता है, एन चैनल और पी चैनल। अगर हम इनका सिंबॉलिक डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से एन चैनल और पी चैनल का सिंबॉलिक डायग्राम बनता है। ये तीन टर्मिनल है, ऊपर वाला का नाम है ड्रेन, नीचे का नाम है सोर्स और साइड वाला का नाम है गेट। जो एन चैनल होता है ये एरो का निशान गेट से अंदर की तरफ जाता है, और ये जो पी चैनल जब बनता है तो ये एरो का निशान बिल्कुल बाहर की तरफ आता है। सोर्स, ड्रेन और गेट, इसमें बाहर की तरफ जाता है पी टाइप में, और एन चैनल में अंदर की तरफ भी तीर का निशान बना होता है। इसका और एक सिंबल होता है जिसे कंस्ट्रक्शन सिंबल बोला जाता है।
अगर हम N चैनल का और P चैनल का कंस्ट्रक्शन सिंबल बनाएं तो उसे इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं। एन चैनल और ये पी चैनल, जो एन चैनल बनता है इसमें नीचे एक नाम है सोर्स, ऊपर में बनेगा ड्रेन जिसको हम लोग डी से दर्शाते हैं, और ये एन चैनल में इधर पी रहता और इधर पी रहता, और इस जगह से हम लोग गेट का टर्मिनल को निकालते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एन चैनल। इसी प्रकार जो पी चैनल बनता है इसमें भी हम लोग करते नीचे वाला टर्मिनल का सोर्स, ऊपर वाला टर्मिनल का ड्रेन, और यहाँ पे एन टाइप से दर्शाते हैं और इधर से हम लोग गेट को दर्शाते हैं, ये हो जाएगा पी चैनल। तो इस प्रकार से आप FET का P चैनल और N चैनल को दर्शा सकते हैं।